गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बी एड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में राजा राम मोहन रॉय समाज सुधारक के बारे में स्टडी करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा सत्र 2018 के अंतर्गत पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र के पार्ट बी में प्रश्न पूछा गया, समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन रॉय को आज भी क्यों याद किया जाता है? Why do we still remember राजा राम मोहन रॉय as a reformist? तो आज इसी संदर्भ में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय, अंग्रेजों के शासनकाल में इन्होंने देश में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सुधार करके अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, इसलिए आज हम भारतीय इन्हें बहुत याद करते हैं। इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में 22 मई 1772 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। इन्होंने 15 वर्ष की आयु के अंदर ही बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी, संस्कृत, बंगाली, इतनी भाषाओं के ये महारथी थे इतनी छोटी सी उम्र के अंदर ही। इन्होंने भारत में समाज सुधारक और शिक्षा में सुधार करके अपना अतुलनीय योगदान दिया है, इसलिए इन्हें भारतीय समाज और शिक्षा के सुधारक भी कहा जाता है। ये आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के जनक और बंगाल के पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाने जाते हैं। 18वीं शताब्दी में समाज में जितनी भी बुराइयां थीं उनको देख करके वे उन बुराइयों को दूर करने के लिए समाज सेवा के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। आज हम इनके समाज सुधारक के जितने भी कार्य हैं उनके बारे में अब जानेंगे। क्योंकि ये अंग्रेजी सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित थे और अंग्रेजों के यहाँ इन्होंने कम से कम 10-12 साल नौकरी भी की, लेकिन उसके पश्चात भारत की दयनीय स्थिति और विशेष तौर पर सामाजिक स्थिति को देखते हुए इन्होंने देश में समाज सेवा का कार्य करना शुरू कर दिया। इसी संदर्भ में इन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की गई। इस ब्रह्म समाज की स्थापना के उद्देश्य सदाचार, दया भाव, निर्भयता, प्रेम की शिक्षा देना रहा। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया और इन्हीं के प्रयासों से चलते 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो ये इनका भारतीय समाज में बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहा। इसके पश्चात इन्होंने धर्म प्रचारक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हालांकि किसी धर्म को स्थायी रूप से नहीं मानते थे, ये केवल मानवता के धर्म में विश्वास रखते थे। इसके साथ ही चिकित्सा प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन द्वारा सामाजिक बदलाव लाने पर ज़्यादा जोर देते थे। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वायत्तता, समानता और न्याय में दृढ़ विश्वास था कि अगर समाज के हर एक व्यक्ति को इस प्रकार की अधिकार प्राप्त होंगे तो निश्चय ही समाज में एक नया पथ अग्रसर होगा और एक आधुनिक समाज की संकल्पना जिसकी वह कल्पना करते थे वो साकार हो सकती है। इसी प्रकार ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि ये जानते थे कि कालांतर या आधुनिक या आने वाला समय इस प्रकार का होगा जहाँ इंग्लिश का ज़्यादा महत्व होगा, और इंग्लिश के महत्व को जानते हुए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और 1816 ईस्वी में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। इस प्रकार ये अंग्रेजी की संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित रहे। इन्होंने बंगला, हिंदी और फारसी भाषाओं को एकीकृत रूप या एक साथ प्रयोग करने का प्रयास किया। इन्होंने कई समाचार पत्र भी प्रकाशित किए और मैगजीन भी प्रकाशित की, जिसमें ब्रह्म मैनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इसके साथ ही ये भारतीय भाषा के प्रेस के प्रवर्तक भी रहे और स्थानीय समाचार पत्रों के संपादन तथा उनके प्रकाशन का कार्य भी किया। ये एक बहुत ही जुझारू और सशक्त व्यक्तित्व के धनी रहे। ये कभी किसी से डरते नहीं थे, निर्भरतापूर्वक इन्होंने जो भी कार्य किया
अपने दम पर अपने सशक्त व्यक्तित्व के माध्यम से उस कार्य को संपादित करने का प्रयास किया। ये बहुत ही संस्कारवान, राष्ट्र गौरव की भावना सदा दिल में संजोए रखने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने मानवता और आधुनिक भारतवर्ष की संकल्पना को साकार करते हुए बहुप्रतिभा के धनी के व्यक्तित्व के रूप में ये आज भी याद किए जाते हैं। आज सार्वभौमिकता के संदेश और स्वतंत्रता के पक्षधर रहे। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता दी ताकि सभी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। साथ ही इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने कई आंदोलन किए। इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी अपने पिता की संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार है। इस प्रकार से ये पुत्रियों की कानूनी हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहे और इन्होंने ही इस पैतृक संपत्ति में पुत्री के अधिकार को सबसे पहले शुरुआत की। इसके पश्चात ये मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखते थे। इनके जीवन काल की एक घटना है कि जब ये इनके पिता के साथ छोटी उम्र में ही पूजा करने गए और वहाँ उन्होंने शिव जी को प्रसाद स्वरूप लड्डू अर्पित किए और कुछ समय पश्चात देखा कि उन लड्डुओं को चूहे खा रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि जब भगवान खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो वो हमारी रक्षा क्या करेगा। इस प्रकार उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और यही नहीं, वे किसी भी धर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, उससे ऊपर वे मानवता के धर्म को मानते थे। इसके साथ ही भारतीय परंपरा के भी पक्षधर नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो परिपाटी चली आ रही है, जिसे हम परंपरा के रूप में जानते हैं, कई बार ये परंपरा विवेकपूर्ण निर्णय और कार्य को श्रद्धा का विषय बना देती, अर्थात हमें उस परिपाटी पे चल के उस कार्य को उस रूप में ही करना है और उस रूप में ही हमें निर्णय लेने हैं, तो हम एक तरह से बाध्य हो जाते हैं। तो जबकि नवीन विचार और सृजनात्मकता को यहाँ कोई स्थान नहीं होता। इस प्रकार उन्होंने भारतीय परंपरा पर के आधार पर जो निर्णय लेने और कार्य करने की क्षमता है, उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास तभी हो सकता है जब समाज में सुधार और विकास हो। अगर समाज में विकास और सुधार नहीं होगा तो राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके पश्चात उनकी मृत्यु इतने उल्लेखनीय कार्य करते हुए 27 सितंबर 1833 में ब्रिटेन में हो गई। इस प्रकार इस जूझारू व्यक्तित्व के धनी बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व ने आज हमारे देश में कई प्रकार के उल्लेखनीय कार्य किए, जो कालांतर से लेकर आज भी याद किए जाते हैं। डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय हमारे देश में आधुनिक भारत के निर्माता हैं। इस प्रकार आज का होमवर्क आपका इस प्रकार है कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपका 250 शब्दों के अंतर्गत उत्तर से संबंधित होगा। आपको 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और यूज़फुल रहेगा। सो थैंक यू।